गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 16, वेज ऑफ ट्रैवलिंग, पेज नंबर 107. टेक आउट योर बुक ट्री ऑफ लाइफ, योर रिवियस बुक. ओके, वेज ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग करने के वेज, क्या क्या वेज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग द चैप्टर और स्टार्टिंग द चैप्टर, वी आर हियर टू सी दीज पिक्चर्स, दिस वन and this one. Let's read it. Rohan, please hurry up. You will miss your school bus. Mom, please drop me to school in your car. Why do I have to take the bus? माँ कहती है रोहन से, क्या कहती है कि आप जल्दी तैयार हो जाइए, नहीं तो आप स्कूल बस क्या कर देंगे, मिस कर देंगे. तो ये कहता है कि नहीं मॉम, आप मुझे अपने कार में क्यों नहीं छोड़ती हो, मुझे मैं बस क्यों लूँ. इन सेकेंड पिक्चर, रोहन आई यूज टू हिज ग्रैंड फादर, आई यूज टू गो टू स्कूल इन अ बुलक कार्ट, इट वॉज स्लोअर देन योर स्कूल बस. मैं बुलक कार्ट में स्कूल जाया करता था अपने समय में, जो कि तुम्हारे बस से भी धीमी चलती थी. दादाजी, वॉट इज अ बुलक कार्ट. अब दादाजी कह रहे हैं बुलक कार्ट क्या है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. आफ्टर एंडिंग दिस चैप्टर, वी सी पीपल ऑन द रोड्स इन डिफरेंट व्हीकल्स व्हेन वी गो आउट. डू यू समटाइम्स वंडर वेयर सो मैनी पीपल आर गोइंग. पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर मैनी रीजंस, मीन्स वी सी पीपल ऑन द रोड्स इन डिफरेंट व्हीकल्स. हम लोग सड़क पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि डिफरेंट व्हीकल्स पे, चाहे वो बाइसाइकिल हो, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, छोटी कार हो, बड़ी कार हो, चाहे बच्चों वाली गाड़ी हो, तो क्या करते हैं लोग, उस पे चलते हैं. ठीक, वी सी पीपल ऑन द रोड्स इन डिफरेंट व्हीकल्स, डिफरेंट व्हीकल्स रहते हैं सब, सब एक जैसे नहीं रहते. व्हेन वी गो आउट, जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग ये सब देखते हैं. Do you sometimes wonder, क्या आप कभी कभी ये सोचते हैं, क्या कभी कभी आपको ये समझ में नहीं आता कि लोग ये कहाँ जाते हैं, कभी आप ये सोचते हैं where so many people are going, कि ये लोग कहाँ जाते कहाँ हैं. जैसे आप कोई चौराहे पे पहुँच गए, आप वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कि ढेर सारी गाड़ियाँ हैं, different vehicles हैं, तो ये सब जाते कहाँ हैं. People travel from one place to another for many reasons. वो सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फॉर द मैनी रीजंस, बहुत से कारण होते हैं. किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को स्कूल छोड़ने, बच्चों को छोड़ने जाना होता है, किसी को बच्चों को स्कूल से लेने जाना होता है, कोई मार्केट जा रहा है, कोई मॉल जा रहा है, कोई शॉपिंग करने जा रहा है, कोई आईपी मॉल वगैरह जा रहा है, तो ऐसा लोग निकलते हैं बाहर. सम पीपल गो टू वर्क एंड चिल्ड्रेन गो टू स्कूल. कुछ लोग कहाँ करते हैं, सम पीपल गो टू वर्क, कुछ लोग स्कूल जाते हैं, एंड चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, और बच्चे स्कूल जाते हैं. पीपल ट्रैवल टू द मार्केट्स टू डिलीवर और बाई डेली सप्लाइज लाइक मिल्क, एग्स एंड वेजिटेबल्स. कुछ लोग उसमें से डिलीवरी लेने जाते हैं या देने भी जाते हैं, बाई डेली सप्लाइज लाइक मिल्क, मिल्क भी लेने जाते हैं, एग्स अंडे और वेजिटेबल सब्जियां भी लेने जाते हैं. ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टियों के दिनों में, फैमिलीज ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस और समटाइम्स टू अदर कंट्रीज. छुट्टी के दिनों में फैमिलीज जो होती हैं, अगर मान लीजिए कोई फैमिली घर में बोर हो गई है तो छुट्टी के दिनों में कहाँ जाएगी, घूमने जाएगी, तो वो भी तो किसी व्हीकल से जाएगी. अगर मान लीजिए अगर आसपास जाती है तो या तो खुद के व्हीकल से जाएगी या तो वो सवारी करेगी, अगर नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे. अगर वो ज़्यादा दूर जाना चाहते हैं, ज़्यादा दूसरे देश में जाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, अब्रॉड जाएंगे, कंट्री कंट्री घूमेंगे, जैसे सिंगापुर हो गया, यूएसए हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, बहुत से लोग जाते हैं. ड्यूरिंग हॉलीडेज फैमिलीज ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस और समटाइम्स अदर कंट्रीज. पीपल गो टू द मॉल्स टू वॉच फिल्म्स. पीपल कहाँ जाते हैं, लोग कहाँ जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, क्या देखने, मूवी देखने. एंड टू रेस्टोरेंट टू ईट डिलीशियस फूड. और रेस्टोरेंट जाते हैं क्या खाने, अच्छे अच्छे जायकेदार खाना खाने, स्वादिष्ट खाना खाने. दे ऑल्सो गो आउट
टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिलने भी जाते हैं। पीपल ऑल्सो ट्रेवल टू अटेंड अ वेडिंग और अ पार्टी, कुछ लोग शादी या पार्टी अटेंड करने भी जाते हैं। व्हीकल्स आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट हेल्प मूव पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हीकल्स, यहाँ देखिए डार्क व्हीकल्स, व्हीकल्स मीन्स ढेर सारी गाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं, व्हीकल्स, चाहे वो बाइसिकल हो, चाहे बाइक हो, कार हो। तो ये सब, जैसे हम लोग कहते हैं ये बाइक चला रहा है, तो ये नहीं कहेंगे ही इज ड्राइविंग अ व्हीकल। जब ढेर सारी चीज़ें संग में रहेंगी तो उसे क्या करेंगे, व्हीकल्स आर गोइंग, ऐसे स्टोरी में ही इसको यूज़ किया जाता है। व्हीकल्स आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट का एक मीन है, एक माध्यम है। ये नहीं होगा तो हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा पाएंगे, लेट में पहुंचेंगे अगर पैदल चलते हैं तो। दैट मूव पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है, और गुड्स मीन्स सामान भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। We see many kinds of. Now we are going to turn over the page, page number 108. Before turning the page, you can see different types of vehicles. आप देख सकते हैं, देखिए एक बच्चा भी यहाँ पे गाड़ी चला रहा है ना, अभी मैंने शुरू में बताया था। यहाँ देखिए ठेले वाला भी है। Now turn over the page 108. What was the last? We see many kinds of vehicles on the roads. हम लोग क्या कहते हैं, क्या देखते हैं, वी सी मैनी काइंड ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, हम लोग रोड पे तरह तरह के व्हीकल्स देखते हैं। सम मूव स्लोली, कुछ धीरे धीरे चलते हैं, वाइल अदर्स कैन मूव वेरी फास्ट, और जो बहुत तेज़ी से भागते हैं, बहुत तेज़ी से चलते हैं या चलाए जाते हैं। सम व्हीकल्स मूव ऑन लैंड, कुछ व्हीकल्स ज़मीन पे चलते हैं। सम ऑन वाटर, कुछ नदी में चलते हैं, पानी में चलते हैं। एंड सम इन द एयर, और कुछ हवा में चलते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ दीज व्हीकल्स, क्या आप कुछ इन व्हीकल्स का नाम दे सकते हो, मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, पहले नाम दो आप लोग। जैसे कि साइकिल हो गई, वो कहाँ चलती है, सड़क पे चलती है, स्लो चलती है। लेकिन बाइक होगी क्या चलती है, फास्ट चलती है। वाटर का शिप, बोट, और एयर का एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। स्लो व्हीकल्स, फास्ट व्हीकल्स, देखिए स्लो व्हीकल में क्या आ गया, साइकिल आ गया, फास्ट व्हीकल में कार आ गई। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। अर्ली ह्यूमंस ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वॉकिंग, रनिंग और स्विमिंग। पहले के समय में जब गाड़ियाँ नहीं बनी थी, या जब टायर्स का, पहियों का आविष्कार, इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे जाते थे, चलते हुए जाते थे, दौड़ के जाते थे और तैर के जाते थे। देन दे लर्न टू ट्रेन एनिमल्स सच एज डंकी, हॉर्सेस एंड कैमल्स टू राइड टू प्लेसेस। तब उन्होंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया कि हम लोग जब पैदल जाते हैं, दौड़ के जाते हैं, स्विम करके जाते हैं, तैर के जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि जो मेरे पास जानवर हम लोग पेट बनाए हैं तो उनको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले उसमें क्या था, डंकी था, डंकी को लोग ट्रेन किए, मतलब उसके ऊपर बैठ के दूसरे प्लेस तक जाने के लिए। फिर क्या हो गया, हॉर्स हो गया, फिर कैमल्स हो गए। तो ये सब एनिमल्स हैं जिसके ऊपर आप बैठ के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हो, ठीक। दीज एनिमल्स ऑल्सो हेल्प देम ट्रांस, these animals also help them transport heavy loads from one place to another. ये animals भी transport के तौर पर use किए जाते थे। जैसे किसी को ढेर सारा सामान भेजना है, वो नहीं जा पाया, तो एक आदमी उसका मुँह के पास जो बंधा रहता है उसकी रस्सी, उसको पकड़ा और उसको लगाम जिसको कहते हैं, उसको लेके उस प्लेस तक चला गया, ढेर सारा उस पर लाद दिया, लेडन एकदम भारी, हैवी, ढेर सारी लकड़ियाँ भेजनी है तो उसके ऊपर लाद दिए ऊँट के ऊपर या हॉर्स के ऊपर, तो उसको ऐसे आगे से पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हैवी थिंग्स हम लोग का आसानी से पहुँच जाता है। हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द व्हील
was one of the most important inventions made by human beings. Wheel मतलब पहिया अब तक का human being का सबसे महत्वपूर्ण invention है. Invention means खोज है. अगर ये खोजा नहीं गया होता तो हम लोग को एक place से दूसरे place तक जाने में दिक्कत होती, समय ज़्यादा लगता. अब हम लोग की क्या होती है, समय की बचत होती है. Using wheels, they invented carts that were pulled by animals. तो उन्होंने पहले क्या किया, carts बनवाए. Carts रथ टाइप का, जैसे कि आप लोग रथ देखे होंगे, तांगा, तो उस टाइप का. तो उस पर आगे दो एनिमल्स या एक एनिमल बांध दिया, तो उस पर पीछे बैठ गया, उसको पीछे से लकड़ी से हाँक रहे हैं तो वो आगे जाएगा, उसको धीरे धीरे मारते हैं. यूजिंग व्हील्स दे इन्वेंटेड कार्ट्स दैट वर पुल्ड बाई एनिमल्स, जो कि एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता था. बाइसिकल्स, स्कूटर्स, कार्स एंड ट्रेन्स वर ऑल इन्वेंटेड ओवर द ईयर्स. फिर धीरे धीरे क्या इन्वेंशन होने लगा, क्या क्या इन्वेंट हुआ. बाइसिकल्स, स्कूटर्स, कार्स एंड ट्रेन्स वर ऑल इन्वेंटेड ओवर द ईयर्स. ये सब चीज़ें समय के साथ साथ खोजी गई. ऑल ऑफ देम यूज द व्हील, और इनमें से सब क्या करते हैं, व्हील्स यूज करते हैं. सब में पहिए लगे होते हैं. सो फॉर द टाइम बींग थैंक यू, एंड वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम अर्ली ह्यूमन्स मेड बोट्स. ओके, थैंक यू.